नाग कन्या इस रात को भी अघोरी शिवानंद की शैया पर आविराजी, पर इस बार वह सारी हदें तोड़ने का मन बना चुकी थी। उसका शरीर निर्वस्त्र था और उसने कामुकता को बढ़ाने के लिए एक अलौकिक मादक इत्र अपनी देह पर मल रखा था। नागकन्या आहिस्ता आहिस्ता अघोरी को अपने आगोश में लेने लगी। अघोरी को आज अपनी इंद्रियों को वश में रखना असंभव लग रहा था। उसकी ध्यान प्रक्रिया बार बार भंग हो रही थी कि नागकन्या एक चरण और आगे बढ़ गई। उसने अघोरी का हाथ अपने हाथों में लिया और उसे अपने उन्नत उरोजों पर रख दिया। अघोरी के 25 वर्षीय युवा देह में सैकड़ों बिजलियां एक साथ कौंध गईं और वह सिहर कर नागकन्या की तरफ मुड़ गया। अघोरी की आंखें लाल होने लगी थीं और चेहरे पर पसीने की बूंदें चुहचुहा आई थीं। अघोरी के मुड़ते ही नागकन्या की मादक मुस्कान और गहरी हो उठी और वह उस अघोरी पर झुकती चली गई। तो आखिर माँ पार्वती के आंसू से जन्मा वह अघोरी कौन था? वह नागलोक की मादक नागकन्या कौन थी? और शिवानंद अघोरी की पूरी कथा क्या है? यह आपको इस कहानी में जानने को मिलेगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हम आपको इस प्राचीन तांत्रिक कहानी से रूबरू कराते हैं। अब आइए आरंभ करते हैं। 5वीं या 6ठी शताब्दी की बात है। मध्य भारत में नगर से दूर एक ग्राम में एक सामान्य ब्राह्मण परिवार रहता था। वह ब्राह्मण परिवार एक ऐसे गांव में रहता जो कि चारों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ था। उसी ब्राह्मण परिवार में शिवानंद अघोरी का जन्म हुआ, जो कि भगवान लकुलिश की परंपरा के शिष्य माने जाते हैं। उनके जन्म की दो कथाएं हैं। एक कथा के अनुसार उस गांव से सटे हुए जंगल में एक सरोवर था। वह सरोवर बड़ा ही सुंदर था और वहां पर कहते हैं कि अलौकिक शक्तियां क्रीड़ा करने आती थीं, जैसे कि गंधर्व, किन्नर, नाग, भूत, ये सब आदि। एक बार माँ पार्वती भगवान शंकर के साथ आकाश में विचरण कर रही थीं, तो उन्होंने धरती पर उस पवित्र सरोवर को देखा और उन्होंने भगवान शिव से कहा कि प्रभु, चलिए हम उस पवित्र सरोवर के किनारे थोड़ी देर तक भ्रमण करेंगे, थोड़ा विश्राम करेंगे। भगवान शिव माता की बात को मानकर सरोवर के किनारे आए, परंतु जैसे ही भगवान शिव धरती पर उतरे तो सारी दिव्य शक्तियों को यह पता चल गया कि भगवान पधारे हैं। वे दौड़ दौड़ कर सरोवर के किनारे आने लगीं और भगवान को और माँ पार्वती को घेर कर उनसे आशीर्वाद लेने लगीं। उनके पास बैठ गईं और उन्हें कभी अकेला होने ही नहीं देती थीं। देखते ही देखते 8 दिन गुजर गए। न तो वहां से कोई शक्ति जाती और न ही नए आने वालों की कमी होती। यह देखकर माँ उकता गईं। वे भगवान के साथ एकांत में उस सरोवर का आनंद लेने आई थीं, पर वहां तो भगवान शिव और वे स्वयं भी उन शक्तियों से घिरी हुई थीं। ऐसे में उन्होंने भगवान शिव से बार बार कहा कि वे एकांत में चलें, पर भगवान शिव भोले हैं, वे किसी को मना नहीं करते हैं। और इसीलिए भगवान शिव बार बार माँ पार्वती को कहते कि थोड़ी देर और रुको, थोड़ी देर और रुको। भगवान शिव के ऐसा बार बार कहने से माँ पार्वती उदास हो गईं और उनकी उदासी में उनकी आंख से एक आंसू टपक कर धरती पर जा गिरा। जहां पर वह आंसू गिरा, वहां पर माँ के आंसू के प्रभाव के चलते एक अनार का पेड़ उगा और उस पेड़ पर केवल एक ही फल लगा था। कहते हैं कि भगवान शिव ने माँ पार्वती को फिर प्रसन्न किया और वहां से अपने लोक चले गए। इधर इस गांव में एक निर्धन ब्राह्मण परिवार था। उनके घर में केवल 2 ही लोग थे, पति और पत्नी, परंतु दुर्भाग्यवश कोई भी संतान उन्हें नहीं हो रही थी। पत्नी बड़ी निराशा से भरी रहती और इसी निराशा में एक बार वह उस सरोवर के किनारे जा पहुंची। जंगल में कंदमूल फल तलाशते हुए जब वह सरोवर के किनारे पहुंची तो उसे भूख भी लगाई थी, प्यास भी लगाई थी। तभी उसने वह अलौकिक अनार का वृक्ष देखा। वहां पर देखा कि इस पौधे पर एक ही फल है और वह फल इतना ताजा लग रहा है, इतना सुंदर लग रहा है कि वह ब्राह्मणी उसे खाने से अपने आप को रोक नहीं सकी। उसने उस फल को ग्रहण किया और सरोवर का जल पी करके वापस घर आ गई। माँ पार्वती के आंसू से जन्मे हुए उस फल के कारण उस ब्राह्मणी की इच्छा पूर्ण हुई और वह गर्भवती हो गई। तय समय आने पर उसके गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया शिवानंद। वहीं दूसरी कथा के अनुसार वह निसंतान ब्राह्मण दंपति संतान प्राप्ति के लिए बहुत प्रयास करते। वे संतों की, अतिथियों की सेवा करते और उनसे आशीर्वाद मांगते, परंतु फिर भी कोई भी उनका पुण्य फलित नहीं हो पा रहा था। वे निसंतान ही थे और इसी बीच उनके गांव में एक बार अकाल पड़ा। अकाल इतना भीषण था कि खाने पीने की कमी होने लगी। वे लोग जंगल से कंदमूल फल लाते और वहीं खाकर गुजारा करते। अनाज इतना कम था कि किसी किसी को तो अनाज देखना भी नसीब नहीं होता था। ऐसे में एक बार
उस निसंतान दंपति के घर एक साधु पधारे। साधु शाम के समय आए थे और बोले कि बच्चा हम यहीं पर विश्राम करेंगे। वे दोनों दंपति संतों की, साधुओं की, अतिथियों की सेवा करते थे। उन्होंने कहा कि यह हमारा सौभाग्य है, आप यहाँ निवास कीजिए। परंतु जब खाने का समय आया तो दंपति ने उनके सामने फल रखा तो उन्होंने कहा कि मैं ये कंदमूल नहीं खाऊंगा, मुझे तो अनाज चाहिए। घर में अनाज था नहीं, केवल एक मुट्ठी अनाज पड़ा था जिसको कि उस दंपति ने अपने बुरे वक्त के लिए बचा कर रखा था। परंतु वे लोग सन्यासी को मना नहीं करते हैं, वे दोनों उस अनाज को अच्छे से पका करके सन्यासी के सामने रख देते हैं। संत पहले से ही जानते थे कि गांव में अकाल पड़ा हुआ है, इनके घर में अनाज नहीं होगा। पर उन्होंने जब देखा कि ये आतिथ्य सत्कार के लिए इस भीषण अकाल में भी बचे खुचे अन्न को मेरे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं तो वे प्रसन्न हो गए। वे जान गए कि इनका हृदय बहुत पावन है और उन्होंने अपने झोले में से एक अनार का फल निकाला और उस फल को ब्राह्मणी को देते हुए कहा कि तुम इसे खा लेना, इसे खाने से तुम निश्चित रूप से पुत्रवती हो जाओगी। ब्राह्मणी ने संत के चरण छुए और फिर वह फल ग्रहण किया और उस फल के प्रभाव से वह ब्राह्मणी गर्भवती हुई और तय समय आने पर उसने एक बच्चे को जन्म दिया। साथ ही साथ संत ने यह भी कहा था कि केवल तुम दोनों के पुण्य प्रताप से इस पूरे गांव का भला होगा। और सन्यासी के जाने के बाद से ही गांव से अकाल चला गया, वर्षा होने लगी थी। चूंकि इन दोनों कथाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि उन दोनों दंपति को बहुत मुश्किल से एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, इसीलिए वे दोनों उस पुत्र को खूब प्रेम करते। माता पिता के इसी असामान्य प्रेम के कारण वह लड़का चंचल होता गया, बिगड़ता चला गया। उसके अंदर शैतानियां कूट कूट कर भरी हुई थी। बचपन में उसकी शैतानियां माता पिता को अच्छी लगती, लेकिन धीरे धीरे वह अन्य लोगों को भी सताने लगा था। परंतु फिर भी माता पिता उससे खूब प्रेम करते। पर दुर्भाग्यवश जब वह बच्चा 10 वर्ष का हुआ तो उसके पिता का देहांत हो गया। घर में आमदनी के नाम पर केवल कुछ गौवें थी जिन्हें चरा करके वे अपना पेट पाल सकते थे। माता अशक्त हो गई थी, वे बाहर जाने में असमर्थ थी, इसलिए उस 10 वर्ष के चंचल बालक पर यह भार आ पड़ा कि वह गौवें चराए। उस समय उस जंगल में अनेक सिद्ध तांत्रिक साधक अघोरी तपस्या किया करते थे। जब शिवानंद अपने दोस्तों के साथ वन में जाते और किसी तपस्वी को साधना में रत देखते तो उनका चंचल मन फिर से चंचल हो जाता। वे शैतानी करने लगते और उस साधक की कुछ चीजें वहां से हटाकर दूसरी जगह छुपा देते। जब साधक ध्यान से बाहर आता तो देखता कि उसकी चीजें उसके पास है नहीं, वह परेशान होता, वह ढूंढता। और इधर दूर छिपे हुए शिवानंद और उनके दोस्तों को यह देख देख कर आनंद आता। बालक ऐसी चंचलता, ऐसी हठकियां ही करते हैं। परंतु एक बार कुछ ऐसा हुआ जो कि शिवानंद की जीवनी को बदल देने वाला था। एक बार गांव से सटे हुए शमशान में एक साधक आया। वह देखने में बड़ा ही लंबा चौड़ा था, पूरे शरीर पर भभूति रमाए रहता और ऐसी ऐसी प्रक्रियाएं करता जिसे देखकर सामान्य मनुष्य डर जाता। पर शिवानंद में डर का कोई चिन्ह नहीं था, वह बालक चंचल था और भयमुक्त भी। उसने उस अघोरी से भी शैतानी करने का मन बना लिया और एक दिन जब वह अघोरी ध्यान साधना में रत था तो उसने उसके कपाल को, उसके कमंडल को वहां से हटाकर दूर झाड़ियों में छिपा दिया और एक जगह छिपकर देखने लगा कि यह अघोरी आंख खोलने के बाद क्या प्रतिक्रिया देता है। धीरे धीरे वह समय आया जब अघोरी की आंखें खुली, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से शिवानंद ने देखा कि अघोरी आंखें खोलने के बाद ठीक उसी स्थान पर चला गया जहां पर के शिवानंद ने उसकी वस्तुएं छुपाई थी और वह उन वस्तुओं को लेकर अपने स्थान पर वापस आ गया। फिर तो शिवानंद के लिए यह आश्चर्य और खेल दोनों का विषय हो गया। वह प्रत्येक दिन ऐसा ही करता और कोशिश करता कि अघोरी को पता न चले, और अघोरी प्रत्येक दिन बिना उससे कुछ कहे, बिना किसी से कुछ बताए अपनी वस्तुओं को वहां से लाता और फिर साधना करने लगता। इसी दौरान वह बालक शिवानंद उस अघोरी के प्रति आकृष्ट होने लगा, वह उसकी शक्तियों के प्रति आकृष्ट होने लगा था। लेकिन वह अघोरी शिवानंद को नहीं जानता। एक बार शिवानंद उस अघोरी के सामने आए और कहा कि बाबा आप ये चमत्कार कैसे करते हैं, तो अघोरी केवल मुस्कुरा कर रह गया। और फिर उस शाम कुछ ऐसा हुआ कि बालक शिवानंद का मन पूरी तरह अघोरी के प्रति श्रद्धा से भर गया। बालक शिवानंद को अपने गांव में खोजते समय यह पता चला कि एक गाय कहीं दिखाई नहीं दे रही है। उसने बहुत ही प्रयास किया पर गाय कहीं मिली नहीं। वन में अक्सर ही ऐसा होता है कि वन पशु किसी गाय को लेकर, किसी भेड़ को लेकर चले जाते हैं। शिवानंद को लगा कि उसकी गाय को भी कोई वन पशु लेकर गया होगा। चूंकि वह एक निर्धन परिवार से था, उसके लिए एक एक पशुधन का महत्व था, इसलिए वह बड़ा उदास हुआ और उसी शमशान भूमि के पास से गुजरता हुआ
अपने घर जाने लगा। तभी वह अघोरी, जो कभी भी शिवानंद से नहीं बोलता था, वह उसके सामने आ खड़ा हुआ और बोला कि बच्चा उदास क्यों होते हो, तुम्हारी समस्या का समाधान मेरे पास है। और फिर उसने एक आवाज लगाई तो न जाने कहां से वह गाय दौड़ती हुई वहां चली आई। यह देखकर शिवानंद के मन में अघोरी के प्रति श्रद्धा भर गई और वह अघोरी के चरणों में लेट गया और कहा कि गुरुदेव मुझे भी शिक्षा दीजिए, मुझे भी अपनी तरह का साधक बनाइए। अघोरी ने कहा कि जाओ और अपनी माँ की अनुमति लेकर आओ। जैसे ही शिवानंद अपने घर के गौओं को लेकर घर में प्रवेश किया तो वहां पर सन्नाटा था। एक और दुर्भाग्य उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। घर में जाते ही उन्हें पता चला कि उनकी माँ अब नहीं रही। गांव वालों ने शिवानंद को समझाया बुझाया, शिवानंद बहुत रोते रहे, पर गांव वालों ने मिलकर उनकी माँ का अंत्येष्टि संस्कार किया। और फिर जब सारी क्रियाकर्म समाप्त हो गई तो शिवानंद को लगा कि मेरा तो अब इस दुनिया में कोई है ही नहीं। जो थोड़ी बहुत संपत्ति थी शिवानंद ने उसे अन्य जरूरतमंदों में बांट दी और अघोरी के पास जाकर खड़े हो गए। कहा कि बाबा मेरी माँ नहीं रही, मेरे पास कोई संपत्ति नहीं है, अब मैं अपने आप को आपको सौंपता हूँ, आप मेरा उद्धार करें और मुझे शिक्षा दीजिए। तब उस अघोरी ने शिवानंद को बताया कि शिवानंद मैं तुम्हारे लिए ही इस गांव में आया हूँ, तुम पहले से चुने जा चुके हो, तुम्हें भगवान शिव का साधक ही बनना था, तुम्हारा जन्म ही इसी के लिए हुआ है। और फिर उस अघोरी ने शिवानंद को अपना शिष्य बना लिया और वहां से दोनों चल पड़े। 10-11 वर्षीय शिवानंद को लिए लिए वह अघोरी लगभग 8-9 वर्षों तक पूरे भारत में भ्रमण करता रहा। भारत भ्रमण के दौरान उसने शिवानंद को कई तांत्रिक क्रियाएं सिखाई और फिर एक जगह पर कुटिया बनाकर वे लोग रहने लगे। उस जगह पर रहते हुए कुछ दिनों के बाद अघोरी के देहावसान का समय आया। उसने अपने झोले में से एक भोजपत्र का प्राचीन टुकड़ा निकाला और कहा कि मेरे गुरु ने इसे मुझे दिया था और कहा था कि तुम इसकी साधना मत करना क्योंकि तुम उतने योग्य नहीं हो, पर यदि तुम्हें कोई योग्य शिष्य मिले तो उसे यह मंत्र प्रदान करना और इस मंत्र को उसे सिद्ध करने को कहना। वह मंत्र भोजपत्र पर लिखा हुआ था। जब अघोरी ने शिवानंद को वह मंत्र दिया तो कहा कि तुम इसे सिद्ध करने का प्रयास करना। और फिर उसने सारी विधि बताई और फिर कहा कि इस मंत्र की सारी विधि पूर्ण होने के बाद भी एक परीक्षा से तुम्हें गुजरना होगा, तब जाकर तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी, यह मंत्र सिद्ध होगा और इस धरती पर तुम्हारा मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। शिवानंद की उम्र 20 वर्ष की हो चुकी थी, वे भी अघोर विद्या में पूरी तरह से पारंगत हो चुके थे। उन्होंने गुरु से उस भोजपत्र को लिया और अपने सर से लगा लिया। उसके बाद अघोरी ने अपना देह त्याग किया। अघोर विधि से ही उसका सारा क्रियाकर्म किया गया जिसमें कि अघोरी शिवानंद ही मुख्य भूमिका में थे। और फिर अपने गुरु के आश्रम में रहकर ही शिवानंद उस तंत्र साधना की विधि को पूरी करने में लग गए। धीरे धीरे समय गुजरता रहा। शिवानंद ने वह मंत्र साधना पूरी तो कर ली पर उस विधि के पूर्ण होने के बाद भी उनकी कोई परीक्षा नहीं हुई, इसीलिए उन्हें पता था कि उन्हें अभी सिद्धि नहीं प्राप्त हुई है। फिर भी वे गुरु के आश्रम में रहते और अगल बगल के गांवों में वे लोगों की सेवा करते, सहायता करते और उन्हें औषधियों का भी ज्ञान था, इसलिए लोग उन्हें वैद्य के रूप में जानते थे। उसी समय उस गांव में एक वज्रयानी तांत्रिक आ पहुंचा। वह भी तंत्र मंत्र का जानकार था। वह लोगों को छोटे मोटे चमत्कार दिखलाता और फिर उन्हें भ्रमित करता था। धीरे धीरे उसके चमत्कारों की चर्चा अगल बगल के गांवों में फैलने लगी थी। शिवानंद अघोरी भी चमत्कार कर सकते थे पर वे सामान्य लोगों को चमत्कार नहीं दिखलाते, इसीलिए लोगों को लगता कि ये केवल वैद्य हैं। पर वह जो वज्रयानी तांत्रिक था वह लोगों को चमत्कार दिखाकर भटकाने लगा था। उसने अपनी वासना की पूर्ति के लिए अनेक घर की महिलाओं को भटकाया और उनके साथ संबंध बनाए। अघोरी शिवानंद से यह देखा नहीं गया और एक दिन उन्होंने उस वज्रयानी तांत्रिक को ललकारा, कहा कि तुम मेरे साथ बैठकर शास्त्रार्थ करो। वह तांत्रिक शिवानंद के साथ शास्त्रार्थ क्या करता, वह उन पर अपने मंत्रों का प्रयोग करने लगा। वह नहीं जानता था कि शिवानंद क्या चीज है। शिवानंद की उम्र 20 वर्ष की थी और वह तांत्रिक 40-45 वर्ष का था। उसे लगा कि मैं इसे तो किसी भी तरह से हरा दूंगा, लेकिन उसके सारे तंत्र मंत्र सारे प्रयोग शिवानंद के सामने विफल हो गए और शिवानंद ने उसे बांध दिया। बांधने के बाद कहा कि मैं तुम्हारी सारी मंत्र शक्ति छीन सकता हूँ, लेकिन जाओ मैंने तुम्हें एक मौका दिया। और फिर वह वज्रयानी तांत्रिक शिवानंद के चरणों में गिर पड़ा। शिवानंद ने उसे कुछ दीक्षा दी और कहा कि जाकर साधना करो, भगवान शिव की साधना करो। अघोर जो है वह चमत्कार दिखाने के लिए नहीं है बल्कि वह लोगों की भलाई करने के लिए है। तुम्हें अघोरी इसलिए नहीं बनाया जाता कि तुम लोगों पर अपनी विद्या का प्रयोग करके उनको बहलाओ, फुजलाओ और अपनी वासना की पूर्ति करो।
बल्कि तंत्र क्रिया अघोर विद्या इसलिए है कि तुम लोगों की भलाई करो। और फिर उन्होंने उस वज्रयानी तांत्रिक को शैव अघोरी बनाया और कहा कि जाकर के तुम साधना करो। तांत्रिक वहां से चला गया और शिवानंद अपनी कुटिया में फिर से साधना में लग गए थे। वे लोगों की भलाई करते और धीरे धीरे अपना दिन व्यतीत करते थे। इसी तरह समय गुजरते गुजरते शिवानंद की उम्र 25 वर्ष को पार कर गई थी। वे अब पूर्ण रूप से युवा हो गए थे। उसी समय एक दिन एक सुंदर व्यक्ति घबराया हुआ सा शिवानंद की कुटिया में आ पहुंचा। शिवानंद ने उस व्यक्ति को पानी पिलाया और कहा कि आप आराम से बैठिए, मेरे पास आने पर आपको घबराना नहीं चाहिए। आप बताइए कि आपको घबराहट किस बात की है। शिवानंद को लगा कि यह कोई गांव का व्यक्ति है जो किसी रोग के लिए मेरे पास आया है। परंतु जब उस व्यक्ति ने अपनी बात कहनी प्रारंभ की तो शिवानंद का आश्चर्य बढ़ता बढ़ता अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया। उस व्यक्ति ने बताया कि मैं एक सिमोई नाग हूं और मैं नागलोक का निवासी हूं। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूं, पर उसे नागलोक की रानी वसुकली ने अपने सैनिकों से उठवा लिया है और वो उसका वध कर देंगी, ऐसा उन्होंने कहा है। केवल आप ही मुझे बचा सकते हैं, क्योंकि मेरी पत्नी के उठाए जाने के बाद मैंने अपने कुलदेवता की पूजा की तो सपने में उन्होंने मुझे आपका पता दिया और कहा कि केवल यह व्यक्ति ही तुम्हारी पत्नी को बचा सकता है, इसलिए हे महाराज आप मेरी पत्नी को बचाइए। तब शिवानंद अघोरी ने आश्चर्य में भरकर पूछा कि आखिर रानी वसुकली ने तुम्हारी पत्नी को उठाया क्यों? बिना किसी गलती के वे उसे मृत्युदंड क्यों देंगी? तब उस युवक ने बताया कि मैं वसुकली का कोषाध्यक्ष हूं, उसके कोष की देखभाल करता हूं। कुछ दिनों पहले वसुकली मेरे पास आई थी, उसे कोष के बारे में कुछ जानकारी चाहिए थी, लेकिन मैं अपनी पत्नी के प्रेम में पड़ा हुआ, उसके प्रेम के बारे में सोचता हुआ उसी के बारे में चिंतन कर रहा था। वसुकली के आने का ध्यान मुझे नहीं रहा, मुझे यह पता ही नहीं चला कि रानी मेरे सामने खड़ी हैं। इसी अज्ञानता के चलते मैंने सामान्य शिष्टाचार का पालन नहीं किया, मैं अपने आसन से उठा नहीं, वसुकली का अभिनंदन नहीं किया। और इस बात से वसुकली गुस्सा हो गई। उन्होंने मुझे डांटते हुए पूछा कि किस चिंता में खोए हुए हो, तो मैंने सारी बातें सच सच बतला दी। तब वसुकली ने कहा कि जिस पत्नी के प्रेम में तुम सामान्य शिष्टाचार भी भूल रहे हो, उस पत्नी को ही मैं मरवा दूंगी, जैसे कि तुम्हारा ध्यान तुम्हारे काम पर रहे न कि तुम्हारी पत्नी पर। और यह कहकर उन्होंने मेरी पत्नी को उठवा लिया और उसे कुछ दिनों के बाद वे मृत्यु दंड देने वाली हैं। शिवानंद को लगा कि यह कोई ऐसी बात तो नहीं हुई जिस पर मृत्यु दंड दिया जा सके। अगर किसी कर्मचारी ने रानी का अपमान किया है, उसने शिष्टाचार का पालन नहीं किया है, तो उसे एक साधारण सा दंड देना ही काफी होता है, पर यहां पर मृत्यु दंड, और वह भी उसे जिसने की कोई गलती किया ही नहीं, यह तो एक गलत बात है। अघोर शिवानंद ने यह भी सोचा कि यदि इसके कुलगुरु ने अगर कहा है कि मैं ही इसका हल निकालूंगा, तो जरूर उन्होंने कुछ सोच समझकर कहा होगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि यदि आपके कुलगुरु ने मुझे चुना है तो मैं आपके साथ अवश्य चलूंगा, पर मैं आपकी क्या सहायता कर पाऊंगा यह तो वहां जाने पर ही पता लगेगा। सिमोई नाग भी शिवानंद की इस बात से बड़ा प्रसन्न हुआ और कहा कि महाराज मेरे कुलदेवता ने कहा है तो आप वहां चलिए, आपके जाने भर से मुझे उम्मीद है कि वसुकली मेरी पत्नी को छोड़ देगी। 25 वर्षीय अघोरी शिवानंद उसे सिमोई नाग के पीछे चलते चलते वसुकली के राज्य में जा पहुंचे। नागलोक में जाने के बाद वे वसुकली के महल के सामने भी जा पहुंचे और प्रतिहारियों से कहा कि मुझे रानी वसुकली से मिलना है। लेकिन प्रतिहारी भला अनजान व्यक्ति को रानी से कैसे मिलने देते? न तो रानी ने कहा था कि कोई अनजान व्यक्ति आने वाला है, न तो प्रतिहारी उन्हें जानते थे। इसीलिए प्रतिहारियों ने शिवानंद को द्वार पर ही रोक लिया और कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते हैं, पहले आप कुछ ऐसा संकेत दीजिए, कुछ ऐसा संदेश दीजिए जो हम रानी को देकर आए, और रानी जब आपसे मिलने के लिए कहेंगी तभी मैं आपको लेकर अंदर जाऊंगा। अब शिवानंद भला क्या संकेत देते, रानी उन्हें जानती नहीं थी। इसीलिए शिवानंद वहीं द्वार पर ही ध्यान की मुद्रा में बैठ गए। उन्होंने आसन लगा लिया और उन्होंने आंखें बंद करके एक मंत्र बड़बड़ाना प्रारंभ किया। मंत्र के बड़बड़ाते ही रानी की आंखें अपने आप मुदने लगीं। वे अपने आसन पर बैठी हुई सुसुप्ता अवस्था में चली गईं और सपने में उन्होंने देखा कि एक साधक बैठा हुआ द्वार पर तपस्या कर रहा है और उनसे मिलने की इच्छा मन में लिए हुए उनसे मिलने की जिद कर रहा है। इस स्वप्न को देखने के बाद रानी की आंखें खुल गईं। रानी ने अपने दासियों को बुलवाया और कहा कि जाकर द्वार पर देखो कि मैंने जो अभी अभी अचानक से यह सपना देखा, क्या यह सत्य है? दासियां द्वार पर गईं और वहां पर एक साधु को बैठे देखकर वापस आईं और रानी से कहा कि जी हां महारानी, यह सत्य है। तब रानी ने सोचा कि यदि कोई साधक इतना पहुंचा हुआ है जो नागलोक में आकर मेरे ऊपर इस तरह का तंत्र प्रयोग कर सकता है, तो मुझे
अवश्य ही उससे मिलना चाहिए। यही सोचकर रानी ने अपने प्रतिहारियों से कहा कि उस अघोरी को मेरे पास आने दो। शिवानंद अघोरी रानी वसुकली के सामने चले गए। नागलोक की रानी वसुकली अद्वितीय सुंदरी थी। उनके जैसा सौंदर्य सामान्यतः दृष्टिगत नहीं होता है और पृथ्वी लोक पर तो कोई भी वैसी सौंदर्य की मालकिन थी ही नहीं। शिवानंद अघोरी ने जब रानी वसुकली को देखा तो वह उनके सौंदर्य से और उनके चेहरे पर विद्यमान तेज से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। और इधर शिवानंद अघोरी भी बड़े सुंदर थे, क्योंकि 25 वर्षीय यौवन की अवस्था में उन्होंने अपने तेज को जागृत कर लिया था। इसीलिए उनके सुगठित देह पर, उनके चेहरे पर उनके तेज का प्रकाश उन्हें अलौकिक बना देता था। रानी वसुकली ने जब शिवानंद अघोरी को देखा तो वह भी उनकी तरफ खींची चली गई। तत्पश्चात रानी ने पूछा कि हे सन्यासी, आप यहाँ क्यों आए हैं और आप मुझसे क्या चाहते हैं? तब शिवानंद ने कहा कि मैं आपसे केवल इतना चाहता हूँ कि आप सिमोई नाग की पत्नी को मुक्त कर दें। उसका अपराध इतना बड़ा नहीं है कि उसे ऐसा दंड दिया जाए, और वह भी उसकी पत्नी ने तो कोई अपराध किया भी नहीं है। सिमोई नाग ने केवल अज्ञानतावश आपसे शिष्टाचार नहीं निभाया, इसके बदले आप उसे कोई छोटा मोटा दंड दीजिए, न कि उसकी पत्नी को मार डालिए। तब वसुकली ने कहा कि यह हमारे राज्य का संविधान है, यह हमारे राज्य का नियम है, आप इसे कैसे परिवर्तित कर सकते हैं? इस पर शिवानंद ने कहा कि लेकिन मैं यहाँ इसीलिए आया हूँ कि उसे उसकी पत्नी से मिलवा सकूँ। आप मेरी सहायता कीजिए, मेरे लिए आप इतना कर दीजिए। तब वसुकली ने कहा कि मैं अवश्य ही आपकी बात मानूंगी, लेकिन इस तरह से नहीं, मुझे भी एक शर्त रखनी है आपके सामने। यदि आप मेरी शर्त मान जाते हैं तो मैं आपकी बात अवश्य मानूंगी और सिमोई नाग की पत्नी को मुक्त कर दूंगी। शिवानंद ने कहा कि आप अपनी शर्त बताइए, मैं अवश्य ही उसे पूरी करूंगा। वसुकली ने कहा कि शर्त बड़ी आसान सी है, बस आपको 3 दिन और 3 रात मेरे आतिथ्य सत्कार में रुकना होगा। आप मेरे निजी अतिथि होंगे और मैं आपके साथ जो भी करूंगी आप उसे बर्दाश्त करेंगे, मुझे कोई शाप नहीं देंगे और आप मेरा आतिथ्य छोड़कर नहीं जाएंगे। यदि आप इतना करते हैं तो मैं निश्चित रूप से सिमोई नाग की पत्नी को छोड़ दूंगी। शिवानंद ने सोचा कि यह कौन सी बड़ी बात है, अतिथि तो ही बनना है। हो सकता है कि यह मुझे मारेगी, पीटेगी या कुछ भी कर सकती है, पर मैं अपने तंत्र बल से उससे बाहर आ जाऊंगा, और नहीं भी आऊंगा तो मैं इसके शर्त को जीत कर एक व्यक्ति को उसकी पत्नी से मिलवा दूंगा। एक प्रेमी को उसकी प्रेमी से मिलवा देना ही सबसे बड़ा पुण्य है, और इस पुण्य को करने के बाद मेरा जीवन सफल हो जाएगा। यह सोचकर शिवानंद अघोरी ने वसुकली की बात को मान लिया और कहा कि मुझे आपकी शर्त मंजूर है, मैं आपका अतिथि बनूंगा। शिवानंद अघोरी के शर्त स्वीकार करने के बाद वसुकली ने दासियों को बुलवाया। वे सम्मान सहित शिवानंद को लेकर वसुकली के अंतरंग महल में चली गईं। वहां पर जाने पर उन्होंने शिवानंद को स्नान करवाया, उन्हें दिव्य पदार्थ खाने को दिए, और इस प्रकार का आतिथ्य सत्कार पाकर शिवानंद भी अचंभित थे। धीरे धीरे शाम ढलने लगी। वसुकली अपने महल में आई और कहा कि मैं आपके रूप पर मोहित हूँ, मैं आपके साथ समागम करना चाहती हूँ, आपके साथ संभोग करना चाहती हूँ। शिवानंद अघोरी को उनके गुरु ने कहा था कि जब तक तुम्हारी सिद्धि पूरी न हो जाए तब तक तुम ब्रह्मचर्य का पालन करना, उसके पहले तुम ब्रह्मचर्य को नहीं छोड़ सकते हो। और अभी तक शिवानंद को सिद्धि मिली नहीं थी, इसलिए वे ब्रह्मचर्य को त्याग नहीं सकते थे। उन्होंने कहा कि यह तो असंभव सी बात है, शर्त के अनुसार आप मेरे साथ कुछ भी कर सकती हैं, पर मैं आपकी हर बात मानने के लिए बाध्य नहीं हूं, इसलिए मैं आपके साथ संभोग नहीं करूंगा। तब नाग कन्या ने कहा कि ठीक है, कम से कम आप मेरी शर्त के अनुसार मुझे कुछ करने तो देंगे, मैं कुछ करूंगी तो आप रोकेंगे नहीं। शिवानंद अघोरी ने कहा कि हाँ, आप कुछ भी कर सकती हैं। शिवानंद ने अपनी साधना के बल पर इंद्रियों को अपने वश में कर रखा था। उन्हें पूरा विश्वास था कि यह कुछ भी कर ले, मैं इसके सामने पिघल नहीं सकता हूँ। और इधर वसुकली को अपनी सुंदरता पर, अपने नृत्य पर, अपने सौभाग्य पर अभिमान था। वह जानती थी कि मैं किसी भी पुरुष को बहला फुसला सकती हूँ। पहली रात को उसने एक मादक नृत्य प्रस्तुत किया। शिवानंद से कहा कि आपको यह नृत्य देखना पड़ेगा। शिवानंद सामने बैठ गए और वह वसुकली नृत्य करने लगी। वह नृत्य इतना मादक था कि जैसे कामदेव ने उस नृत्य की रचना की हो, परंतु शिवानंद उसकी हर हाव भाव से, उसकी भाव भंगिमा से संपृक्त नहीं हुए। वे निश्चल बैठे रहे और उस नृत्य को ऐसे ही देखते रहे जैसे कि कोई अंधा व्यक्ति किसी सुंदर चित्र को देखता है। वह भले ही उसके सामने खड़ा होता है पर उसका रसपान नहीं कर पाता है, उसी तरह शिवानंद उस नृत्य को देख तो रहे थे पर उसमें डूब नहीं रहे थे। उस रात को यही हुआ और रात गुजर गई। अगले दिन वसुकली अपने राज्य संचालन में लगी
और फिर शाम को वापस आई। इधर दिन भर दासियां शिवानंद की सेवा करती रहीं, उन्हें तरह तरह के व्यंजन खिलाए गए, उन्हें स्नान कराया गया, सुगंधित द्रव्य से नहलाया गया और उन्हें कपड़े भी रेशमी दिए गए। शाम हुई तो उनके लिए एक सुंदर सैया तैयार कर दी गई, उस पर शिवानंद अघोरी जाकर लेट गए। जैसे ही थोड़ी और रात गुजरी तो वह सुंदरी नागकन्या उस शैया पर आकर लेट गई। वह अपने भाव भंगिमाओं से शिवानंद को लुभाने का प्रयत्न करने लगी, उनके ऊपर हाथ पैर फेंकने लगी, यहाँ तक कि उसने अपने होंठों से शिवानंद के गर्दन और पीठ पर स्पर्श भी किया। परंतु शिवानंद नहीं पिघले, उन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर रखा था, इसीलिए शरीर में होती सनसनाहट को भी वे चुपचाप सहते गए और मुड़कर उस नागकन्या की तरफ नहीं देखा। पूरी रात वह नागकन्या उन्हें उकसाने का प्रयत्न करती रही और शिवानंद पूरी रात ध्यान में लगे हुए उसके देह से अपने मन को हटाकर भगवान का भजन करते रहे, भगवान शिव का स्मरण करते रहे और फिर वह रात भी व्यतीत हो गई। अगले दिन तीसरा दिन था और वह तीसरी रात्रि थी। उसके बाद वह शर्त से मुक्त हो जाते, केवल शिवानंद को बस इस रात को अपने ऊपर नियंत्रण रखना था। और इधर नागकन्या भी जानती थी कि यह आखिरी रात है। उस रात को भी वह शिवानंद की शैया पर आई, पर इस बार वह सारी हदें तोड़ने का मन बना चुकी थी। उसने अपने शरीर पर वस्त्र का एक रेशा भी नहीं पहना था और कामुकता को बढ़ाने के लिए अपने शरीर को एक ऐसे मादक द्रव्य से नहलाया था जिससे कि उसकी सुगंध इतनी मादक हो गई थी कि वह किसी भी सामान्य व्यक्ति को अपने वश में करने के लिए बहुत था। परंतु शिवानंद सामान्य व्यक्ति नहीं थे। नागकन्या धीरे धीरे चलते चलते अघोरी के बिस्तर के पास आई और उस पर लेट गई और फिर उसने अपने बाजुओं में अघोरी को भर लिया। शिवानंद ध्यान में मग्न थे। जैसे ही नागकन्या ने उन्हें बाजुओं में भरा तो शिवानंद का ध्यान और आगे बढ़ गया। शिवानंद की उम्र 25 वर्ष की थी। उस समय यौवन अपने चरम पर था और शिवानंद के शरीर में भी चींटियां रेंगती थी, पर उन्हें अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त था, इसीलिए वे आगे नहीं बढ़ रहे थे। परंतु आज नागकन्या सभी हदें तोड़ने वाली थी। उसने शिवानंद अघोरी का हाथ अपने हाथों में लिया और उसे अपने उन्नत उरोजों पर रख दिया। उरोजों का स्पर्श पाते ही शिवानंद की ध्यान साधना विकल होने लगी थी। उनके चेहरे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। वे बार बार अपने आप को ध्यान साधना में लगाने का प्रयत्न करते। वे चाहते कि नागकन्या के ऊपर से उनका मन हटे, पर नागकन्या आज उन्हें किसी भी तरह से अपने वश में करने के लिए ठान चुकी थी। वह उनके हाथों को अपने शरीर के हिस्से पर फिराने लगी, लेकिन शिवानंद अघोरी अब भी ध्यान में थे। उनके अंदर दो भावों का उथल पुथल मच रहा था और इसी कारण उस उथल पुथल से उनके चेहरे पर पसीने की बूंदें भी उभर आई थीं। वे मुड़े और नागकन्या की तरफ पलट गए। नागकन्या ने देखा कि जब शिवानंद उनकी तरफ मुड़ चुके हैं तो नागकन्या की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। उसने सोचा कि अब तो मैं इस अघोरी पर विजय प्राप्त ही कर लूंगी। परंतु वह मुड़ना इसलिए नहीं था, शिवानंद अघोरी जब मुड़े तो उनकी आंखों में लाल डोरे थे। वह लाल डोरे वासना के नहीं बल्कि क्रोध के थे। वे अपने गुरु का स्मरण कर रहे थे और उन्हें पता था कि इस मुश्किल घड़ी से उन्हें बाहर निकालेंगे तो उनके गुरु ही। और जैसे ही उन्होंने गुरु का स्मरण करना प्रारंभ किया, उनके दिमाग पर से चल रही सारी बातें तिरोहित होती चली गईं। अब उन्हें नागकन्या के शरीर का स्पर्श मिट्टी का स्पर्श लग रहा था। उन्हें किसी भी तरह की सनसनी नहीं महसूस हो रही थी और फिर धीरे धीरे उनके चेहरे पर से तनाव कम होने लगा। चेहरे पर वह मंद स्मृति खेलने लगी और फिर वे ध्यान की भूमि में गहरे से गहरे उतरते चले गए। और नागकन्या अपने तमाम प्रयत्नों के बावजूद उस रात को भी उनके ब्रह्मचर्य को टिका नहीं सकी। अगले दिन सुबह हुई, दरबार लगा। वसुकली अपने नाग सिंहासन पर बैठी हुई थी। वह सिमोई नाग भी दरबार में आया था। आज उसे उसकी पत्नी से मिलना था और उसी समय सिमोई नाग के साथ साथ एक वृद्ध व्यक्ति भी दरबार में आए। उनके चेहरे से तेज टपक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वे कोई अलौकिक व्यक्ति हों। उनके दरबार में आने से सारी सभा का सर उनके सामने स्वतः ही झुकता चला गया, यहाँ तक कि वसुकली भी अपने आसन से खड़ी हुई और उन महात्मा के चरणों में अपना सर रख दिया। और इधर उस महात्मा को देखकर शिवानंद अघोरी भी स्वतः ही उसके सामने झुकते चले गए। उनके अंदर से यह बात आई कि इन महात्मा को प्रणाम करना चाहिए, इनके चरणों में सर नवाना चाहिए। सारी सभा चुप थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस वृद्ध का सम्मोहन सारी सभा पर फैलता जा रहा है। फिर उस वृद्ध ने चुप्पी को तोड़ते हुए कहा कि शिवानंद, तुम मेरे शिष्य के शिष्य हो। तुम्हारी यह परीक्षा थी और तुम अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। मैंने ही अपने शिष्य को वह मंत्र दिया था और कहा था कि किसी योग्य शिष्य को ही यह मंत्र देना। उसने तुम्हें चुना और वास्तव में उसने सही चुनाव किया। आज तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हुई और तुम संपूर्ण सिद्धियों के स्वामी हुए। यह कहकर
वृद्ध ने प्रेम से शिवानंद के मस्तक को छुआ और शिवानंद अघोरी एक बार फिर से वृद्ध के चरणों में प्रणाम कर उठे। उसके बाद शिवानंद फिर से पृथ्वी लोक पर आए। अब उनके समान कोई भी साधक इस पृथ्वी पर नहीं था, परंतु उनके मन में इस बात का अहंकार नहीं था। वे पृथ्वी के लोगों की भलाई करने में लग गए और उन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा में ही व्यतीत कर दिया। तो मित्रों, यह थी अघोरी शिवानंद की पूरी कहानी। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। कैसी लगी प्रस्तुति कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।